आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। बेगूसराय में आज नागरिक सुरक्षा बेगूसराय भूकंप सुरक्षा सप्ताह का हरी झंडी दिखाकर डीडीसी ऋचि पांडे के द्वारा रवाना किया गया। डीडीसी ऋचि पांडे ने कहा कि भूकंप से कैसे लोगों को बचना चाहिए, इसको लेकर आज लोगों ने रैली के माध्यम से लोगों को जगाने का काम किया। उन्होंने बताया कि भूकंप से बचने के लिए क्या क्या उपाय होंगे। सिविल डिफेंस के यहाँ पर वैलिडिटी थी, उन लोगों को प्रशिक्षण मिला हुआ है। ऐसे तो हम लोग को सीसीए जोन 3 में आता है बेगूसराय जिला माना जाता है कि भूकंप होने की संभावना कब है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत जिले में भूकंप ने बहुत तबाही मचाई, जिससे जान माल का काफी नुकसान हुआ है। तो उसी तरीके से हम लोग चाहते हैं कि लोगों में जागरूकता हो, क्योंकि वैसे तो बाढ़ और सुखाड़ जो आपदा है उससे तो हम लोग क्षमतावर्धन हो चुके हैं विजय राज्य में, परंतु भूकंप है, आगजनी है। इस तरह की घटनाओं से कैसे निपटने के लिए सिविल डिफेंस में सहयोग ले सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सिविल डिफेंस के वॉल्टियर 12 में इस जिले में कार्यरत है, जो कि हर प्रखंड में जाकर लोगों को जागरूक कर रहा है। बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। यहाँ पे हम लोगों ने ये रैली का फ्लैग ऑफ किया है। तो जो भूकंप से बचने के लिए क्या उपाय होंगे, तो सिविल डिफेंस के हमारे जो यहाँ वॉलंटियर्स हैं, ये लोग, इनको प्रशिक्षण मिला हुआ है। वैसे तो हम लोगों का सीस्मिक जोन 3 में आता है बेगूसराय ज़िला, तो प्रायः माना जाता है कि यहाँ पे भूकंप होने की संभावना कम है। परंतु जैसा कि आप जानते हैं कि भुज जिला जो गुजरात में था, वहाँ वो भी सीस्मिक जोन 3 होने के बावजूद भी वहाँ पर बहुत भारी भूकंप आया, जिससे बहुत जान माल को क्षति हुई। तो उसी तरीके से हम लोग चाहते हैं कि लोगों में जागरूकता हो, क्योंकि वैसे तो बाढ़ और सुखाड़ जो आपदाएं हैं उससे तो हम लोग निपटान करने की काफ़ी हम लोगों में अब क्षमतावर्धन हो चुका है बिहार राज्य में, परंतु भूकंप है या फिर आगजनी है, इस तरह के केसेस से उनको कैसे डील करना है, उसमें सिविल डिफेंस का सहयोग हम लोग जिस तरह से सर काम करती है सिविल डिफेंस। सिविल डिफेंस का तो बेसिकली आपको पता ही है कि ये वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे हम लोग तकरीबन ज़िला में 1200 वॉलंटियर्स हैं जो जुड़े हुए हैं, और वो बेसिक एक ऑनरेरियम बेसिस पे 400 रुपीज़ का उनको भुगतान किया जाता है और रिक्विजिशन किया जाता है जब भी कोई ऐसा जो गंभीर इमरजेंसी की स्थिति होती है। तो वो तो एक तरह का वॉलंटियर फोर्स है, जैसे आपका आर्मी में टेरिटोरियल आर्मी हो गया, जो फुल टाइम फंक्शनल, उनका वो फुल टाइम प्रोफेशन नहीं है, बट आउट ऑफ देयर लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और उनको कुछ एक अपनी अंदर से एक भावना होती है कि हम लोग भी कुछ सहयोग करें सरकार का और प्रशासनिक जो पदाधिकारी हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जो सक्षम हैं, जो फिट हैं, हेल्दी हैं, और जो इस तरह की जो विकट परिस्थितियों में सहयोग करने में सक्षम हैं, तो हम लोग को सहभागिता।